हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ोटोशॉप के बारे में कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप फ़ोटोशॉप में अच्छी रिटचिंग कैसे कर सकते हैं। आप सभी लोगों को ये परेशानी जाती होगी, तो देखिए आइए शुरू करते हैं जब आप लोगों का टाइम लिए बिना। तो सबसे पहले एक मॉडल की फ़ोटो देख लेंगे हम, जैसे कि देख पा रहे हैं ये हमारी मॉडल हैं। थोड़ा दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, टाइम लग रहा है, लेकिन ये वीडियो पूरी तरह देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। आप इस फ़ोटो को देखिएगा कैसे रिटच करेंगे हम। ये लेयर है, फ़ोटोज़ है अपने, फ़ोटो को हम कॉपी कर लेंगे जैसे आप लोग जानते हैं। क्लियर से कंट्रोल जे भी कर सकते हैं आप, ये मैंने कॉपी कर दिया। ये देख रहे हैं आप जो फर्स्ट लेयर है उसको इन्वर्ट कर लेंगे, कंट्रोल आई भी कर सकते हैं आप। ये देखिए, हाँ अच्छी तरह से देख लीजिए, ये देखिए। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद विविध लाइट पे अपन जाएंगे। देखिए विविध लाइट पे जाने के बाद ये फ़ोटो हो गई। फिर इसके बाद अपन जाएंगे हाई पास में, फ़िल्टर में जाएंगे। ये दोस्तों हम फिल्टर में जाएं, फिल्टर अदर में जाएंगे, हाई पास, ये दिख रहा हाई पास। हाई पास में जाने के बाद इसको हमें उतना बढ़ाना है जितने में फ़ोटो का कलर ना दिखने पाए। अप्रॉक्स मैं 16 से 18 रखता हूँ, हमेशा बहुत सॉफ्ट फ़ोटो आती है, बहुत अच्छा फ़ोटो आता है। आप भी इसको बना सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के। ये देखिए, ये मैंने 16 टाइप कर दिया। अब देखिएगा, फिर ये गोशन ब्लर पे जाएंगे अपन, फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर से ब्लर में, फिर गोशन ब्लर। ये गोशन ब्लर में जाने के बाद अपन यहाँ 2 से 3.5 के बीच में दे सकते हैं, 2 से लेकर के 3.5 तक। यहाँ पे मैं 2.2 कर दिया। ये देखिए, अब इसमें सिंपली हमें मास्क लगाना है। मास्क कैसे लगाना है आप देख सकते हैं, अल्ट प्रेस करना है, अल्ट को प्रेस करने के बाद यहाँ क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये अब हमारा फ़ोटो क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक ब्रश टूल लेना है, ओपेसिटी 100 रखनी है। अब देखिएगा, ये ओपेसिटी 100 रखनी है, हार्डनेस अपने हिसाब से लगाना है आपको। ये देखिए हमारा फ़ोटो कितना स्मूथली, कितना सॉफ्ट हो रहा है। किसी मार्केट में तरह तरह के सॉफ्टवेयर दे रहे हैं कि मैं ये फ़ोटो सॉफ्ट कर दूंगा, फ़ोटो ऐसा कर दूंगा, फ़ोटो ऐसा कर दूंगा, ये सब कुछ नहीं। कहीं पे पैसे फंसाने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, सब कुछ यहीं पे मिलेगा आपको फ़ोटोशॉप के अंदर ही। जितना कुछ भी होता है सब फ़ोटोशॉप के अंदर ही होता है। आज आप लोगों को ये सीखने को मिल रहा है, अगर कहीं पे कलर एक्स्ट्रा आ जाता है तो अपन कीबोर्ड में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करने के बाद उसको इरेज कर सकते हैं। ये देखिए इरेज कर दिया मैंने, ये मैं ज़्यादा सफाई से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये मुझे आप लोगों को समझाना है इस वीडियो पे। आप ये देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट फ़ोटो आ जाता है, बहुत ही प्यारा फ़ोटोज़। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, आपको बहुत सॉफ्ट आ गया। आप इसी के अंदर सारा काम कर सकते हैं, ये आप फोटोशॉप 7.0 में भी कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि आप CC हो, CS3 हो, CS5 हो, CS6 हो, CC 2020 हो, इसका कोई मतलब नहीं। इसके लिए
ऐसा नहीं कह सकता मैं कि एडोब फोटोशॉप सीसी ख़राब है, कुछ भी है, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है मेरे दोस्तों, फिर काम कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बताया इस पर, लेकिन ये काम आप फोटोशॉप 7.0 में भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज आपने जो देखा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।